टाइगर हिल रिज का हाइकिंग एंड वॉकिंग ट्रैक पर्टिकुलरली कार्डियक वर्कआउट के लिए एक बेहतरीन रूट। ग्रेजुअली ग्राउंड वॉक के बाद फिर रैंपिंग करते हुए रिज की पीक के ऊपर आने के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर नीचे होता हुआ ये पैटर्नाइज्ड रास्ता दोनों तरफ रिज के कराची की खूबसूरत पहाड़ियाँ और ये जंगली जो वीड्स और दूसरे जंगली पौधे हैं कराची की इन लोकल पहाड़ियों के उनके आसपास सब्ज़े से भरपूर एक माहौल, भरपूर ऑक्सीजन के साथ एक बेहतरीन हाइकिंग कम वॉक, एक एक्सरसाइज हार्ट इको बढ़ाने के लिए ग्रेजुअली हार्ट रेट को कंट्रोल में रखते हुए इस टाइगर हिल रिज की हाइकिंग कम वॉक एक बेहतरीन तरीका अपने हार्ट इको को ग्रेजुअली बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज। डिपेंड करता है कि अगर आप स्लो पेस वॉक कर रहे हैं या आप एक जॉगिंग स्टाइल वॉक कर रहे हैं, दोनों के लिए एक बेहतरीन ट्रैक ये बनाया है, रादर ये नेचुरली ट्रैक एक बन गया है। प्राइमरली ये ट्रैक यहाँ पर माल मवेशी और बकरियाँ चराने वाले लोगों ने चल चल कर इसको एक ट्रैक बना दिया। लेटर ऑन इसको हमने थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करके चलने के काबिल बनाया। अब भी मानसून में यहाँ के लोकल्स अपने माल मवेशी भेड़ बकरियाँ लेकर इस इलाके में उमड़ आते हैं और इस रास्ते को वो भेड़ बकरियाँ भी एक पहाड़ी रिज से दूसरी पहाड़ी रिज के ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल भी करती हैं। जंगली कीकर के साथ साथ थोर के पौधे और दूसरे कई अनाव इकसाम के जंगली फूल इस टाइगर हिल रिज पे देखने को मिलते हैं। एक तरोताज़ा एक्सरसाइज भरपूर ऑक्सीजन के साथ और कराची के ये एरियाज अब तक एक तरह से अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं। शहरी आबादी ने इन एरियाज की तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं की है, जबकि सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बेहतरीन कैंपिंग की जा सकती है और गर्मियों में इवन इस रिज के ऊपर और इसके साथ मलेका बाकी रिजेस के ऊपर, इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एयरफोर्स एम्प्लॉज सोसाइटी की लैंड की रिजेस हैं, वो गर्मियों में समंदर की ठंडी हवाएं खाने के लिए एक बेहतरीन प्लेस है। एक ज़बरदस्त माहौल, एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और आसपास की कुदरती खूबसूरती। ये एरिया बहरिया टाउन से तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर की मुसाफत पे दर्शानों छनों एक आबादी के साथ साथ वाक़ है, जबकि यहाँ पर पहुँचने के लिए स्टील टाउन नेशनल हाईवे गुलशन हदीद की तरफ से भी अबाउट 6 to 7 किलोमीटर्स की ड्राइव करते हुए फिल्टर प्लांट के रास्ते से पहुँचा जा सकता है। और सेकेंडली कायदे आज़म पब्लिक स्कूल महरान हाईवे से भी यहाँ पर तकरीबन कोई 5 to 3 or 4 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए यहाँ पे आया जा सकता है। ये रिज जो कि ग्रीन पाकिस्तान एनजीओ जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए काम करती है और जिसको मैं बग़ैर कोई फंडिंग लिए अपने तौर पे रन कर रहा हूँ और इन जो पहाड़ियाँ हैं इन पे कुदरती जो अनाव इकसाम के पौधे उगे हुए हैं जो कि डेजर्ट सर्वाइविंग रॉकी हार्ड ड्राई वेदर सर्वाइविंग पौधे हैं, उसके साथ साथ
एक कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो कन्वेंशनल प्लांट्स हैं उनको भी उगाने की पूरी कोशिश की जाए। हमने जो ग्राउंड एरियाज़ हैं उसमें सैंडी सॉइल होने के बावजूद और सॉल्टी वाटर होने के पास